1200 लीटर पर हवर के हिसाब से बनाया हुआ फिल्टर मशीन है, ये परचेज आ गया इसमें, और इसकी कैपेसिटी है 1200 लीटर पर हवर। टोटल फुल लोड है 35 एम्पियर, ये अप्रॉक्सली लिखा हुआ है, इससे कम ही ले जाएगा मशीन। ठीक है, अभी इसका हम ऑपरेटिंग मशीन का दिखा रहे हैं। जी, सबसे पहले मशीन को ऑपरेट करने के लिए मेन कनेक्शन करना है, जो ये RYB ये न्यूट्रल है, उस हिसाब से उसका कनेक्शन करना है। उसके बाद ये जो MCB दिया हुआ है, ये हीटर का MCB है, ये टोटल मोटर का पंप वगैरह का, और ये है और जो पैनल का ऊपर जो ये दिया हुआ है, मतलब कंट्रोलिंग, उसका MCB है सिंगल फेज का। अभी सबसे पहले जो वायरिंग करने के बाद इसका ये जो मेन स्विच है उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये जो मोटर का ये सब MCB ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये जो डिस्प्ले में सब रीडिंग हो, इंडिकेशन, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, और ये है एम्पियर मल्टीफंक्शन मीटर। ठीक है, अभी सबसे पहले मशीन को स्टार्ट करने के लिए ये जो वैक्यूम पंप है उसको एरो के हिसाब से रोटेट करना चाहिए। सभी पंप ऐसे एरो के हिसाब से, सभी पंप उसी एरो के हिसाब से सब रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन एक बार चेक करने के बाद मशीन को चालू करने के लिए ये जो एयर रिलीज वाल्व है उसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है। ये जो स्टार्ट है, जैसे ही वैक्यूम पंप स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होने के बाद ये वैक्यूम है, वैक्यूम गेट दिखाया हुआ है, इसमें 300-400 HD तक वैक्यूम आ रहे हैं। उसके बाद ये इनलेट वाल को ओपन करना, इनलेट वाल को ओपन करके ये इनलेट पंप है, और ये एक प्लांट लैंप है ऐसे दिखाया है, और ये है डिगेजिंग लैंप। ये वाल्व को ओपन करने के बाद इनलेट पंप को स्टार्ट करना है। ये ऑयल इधर से घूमता हुआ ऐसे ऐसे हो गए तो इसके डिगेसिंग चैम्बर में आएगा। ये इनलेट पंप को ऑटो और मैनुअल में भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैनुअल में करने के बाद स्टार्ट करने के बाद उसको ऑटो में डाल देना, तो ऑटो में जब डाल देंगे तो ये जो लेवल सेंसर है उसके हिसाब से स्टॉप हो जाएगा। अभी आउटलेट का वाल ओपन करके आउटलेट पंप स्टार्ट करना है। उसके बाद लास्ट में हीटर जोन 1, हीटर जोन 2 दिया हुआ है, तो ऐसे हीटर जोन 1 चालू होगा, और हीटर इनलेट पंप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब भी हीटर इनलेट पंप स्टार्ट होगा तभी हीटर चालू होगा। तो ये इनलेट पंप स्टार्ट हो गया तो ये हीटर भी स्टार्ट हो गया। अभी ये टेम्परेचर में जो टेम्परेचर आ रहा है वो उसमें दिखाएगा, शो करेगा, और टेम्परेचर प्लस माइनस करने के लिए ये बटन को ऐसे दबा रखें, इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे हमने अभी 50 पे सेट किया हुआ है, अभी 36 टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये हीटर जोन 2 है तो दोनों जोन चालू हो जाएगा। ये हीटर जोन 1, अभी पूरा मशीन कम्प्लीटली चालू है, अभी हम आपको उसका फ्लो दिखा रहे हैं। ये देखिए 1200 लीटर का पर आवर के हिसाब से ये मशीन का फ्लो आ रहा है, और ये जैसे जैसे ऑयल टेम्परेचर होगा उस हिसाब से थोड़ा और फ्लो बढ़ेगा। कोई पंप ओवरलोड होकर ड्रिप हो जाता है तो उसको कैसे रिसेट करना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ठीक हो नहीं रहा, लेकिन हम आपको दिखा रहे के लिए ट्रिप कर रहे हैं। ये
जैसे देखिए ये वैक्यूम पंप को हमने आपको दिखाने के लिए ट्रिप किया हुआ है, अभी उसको रिसेट करने के लिए ये देखिए तो ये रिसेट हो जाएगा, फिर स्टार्ट कर लेना, ऐसे वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी पंप ऐसे ही जैसे ट्रिप हो जाता है बार बार, तो उसका ये जो रिले भी ये रिले लिया हुआ है ओवरलोड रिले, तो उससे एम्पियर प्लस कर सकते हैं। जैसे आप ये जैसे मैंने अभी 2.5 पे रखा हुआ है, ऐसे ही बार बार कोई भी पंप जैसे ट्रिप होता है, कोई भी पंप सबका अलग अलग दिया हुआ है, ये इंडिकेशन ये ट्रिपिंग लैंप है, जो भी पंप ट्रिप होगा उसका इधर शो करेगा। जैसे ये अभी शो कर रहा है ये हमने किया है, तो ये वैक्यूम पंप अभी उसको रिसेट करने के लिए हमने ये रिसेट हो गया। ये जैसे रिसेट फिर से अभी जैसे हमने बताया उसी ऐसे ही मशीन को वीडियो में देख के आप ऑपरेट कर सकते हो, और हम पूरा मशीन को आपको बाहर के लुक से दिखा देते हैं। जैसे पूरा मशीन टोइंग वाला है, ये दिया गया उधर इसका टोइंग, और ऐसे मशीन ऐसे हिसाब से लगेगा इसको। मशीन ऐसे जैसे कंप्लीट रोटेशन पर चालू हो तो ऑयल का लेवल ग्लास से नीचे ही होना चाहिए, अप नहीं होना चाहिए, नहीं तो इधर से वैक्यूम पंप ऑयल को खींच लेगा। इधर ग्लास का भी ऑयल का लेवल रहना चाहिए, ठीक है। अभी ये सब एक टेम्परेचर गेज है और ये वैक्यूम विथ कंपाउंड है। अभी ये अपना मशीन फ्रेश है, इसलिए वैक्यूम ये गेज माइनस में जा रहा है, ठीक है। अगर फिल्टर सब जाम चौकअप हो जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। अब जैसे प्लस में जावे, 1 या 2 के बीच में आवे या 1 पर जावे, तो समझ लेना कि ये अपना फिल्टर अभी चेंज करने का टाइम आ गया है। इसके अंदर अभी मशीन को स्टॉप करने के लिए वैक्यूम पंप को स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप हो जाएगा, फिर एयर रिलीज कर दीजिए, फिर इनलेट पंप मैनुअल में करके स्टॉप करना है, उसके बाद आउटलेट, ऐसे पूरी मशीन स्टॉप हो जाएगी, फिर ये वाल्व को क्लोज कर देना है। इस हिसाब से मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं।